हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था दैट वाज कम्युनिकेबिलिटी ऑफ ए डिजीज डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ, यानी एक बीमारी जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती है ये किस बात पे डिपेंड करता है। पहला ऑप्शन था पैरासाइट, दूसरा ऑप्शन था पैथोजन, तीसरा ऑप्शन हेल्दी पर्सन एंड चौथा ऑप्शन ससेप्टेबल पर्सन। कुछ बच्चों ने आंसर पैथोजन किया है, कुछ बच्चों ने ससेप्टेबल पर्सन किया है। सही दोनों है, ऐसा नहीं कि कोई एक ही सही है, लेकिन अब एमसीक्यूज में क्या होता है कि एक ही सही करना होता है, तो पैथोजन की अवेलेबिलिटी पर कम्युनिकेबिलिटी कभी डिपेंड नहीं करती, क्योंकि पैथोजन तो आप नकार ही नहीं सकते, दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन योर एनवायरमेंट। तो जो हमारी कम्युनिकेबिलिटी होती है डिजीज की, दैट डिपेंड्स ऑन ससेप्टेबल पर्सन। ससेप्टेबल का मतलब होता है कि दैट इज अ मोर चांसेस। जैसे आप बीमार हो और आपके बगल में कोई ऐसा स्वस्थ व्यक्ति बैठा है तो पैथोजन तो है उसके बगल में, पैरासाइट है, लेकिन वो हेल्दी पर्सन बीमार नहीं होगा। लेकिन अगर वो पर्सन ससेप्टेबल होगा तो बड़ी आसानी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बीमारी फैल जाएगी। इस लिहाज से आंसर डी होगा। तो इट्स अ गुड, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया, लेकिन सबसे पहला आंसर जिसका सही आया दैट इज मिस्टर अनुराग वर्मा। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर अनुराग वर्मा, यू हैव डन वेल इन अ वेरी गुड क्वेश्चन, कीप इट। मैं सभी बच्चों को बधाई दे रहा हूं जिन बच्चों ने इसमें अटेम्प्ट किया, एक अच्छे सवाल में एफर्ट किया आपने। आप ऐसे ही प्रयास करें एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड अगेन गुड लक टू मिस्टर अनुराग वर्मा। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, तो हम उसी टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हैं। तो कुछ बातें रह गई थी जनरल ब्रीफिंग के लिए, तो पहले हम वही बात आपको कह दें। बात उन्होंने की थी एंटीबॉडीज को लेकर कि एंटीबॉडीज आर बेसिकली प्रोटीन्स। एंटीजेंस का नेचर कुछ भी हो सकता है। एंटीजेंस उन्हें कहते हैं दैट हैज एबिलिटी टू जनरेट एंटीबॉडीज इन द बॉडी, लेकिन एंटीबॉडीज का नेचर हमेशा प्रोटीन होता है। एंटीबॉडीज का मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये मोनोमरिक फॉर्म से पॉलीमरिक फॉर्म तक पाई जाती हैं। पांच प्रकार की जो एंटीबॉडीज का जिक्र किया गया है, IgA, IgD, IgE, IgG और IgM, इनमें किसी का भी मोनोमरिक फॉर्म देखें तो हमारे पास चार पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती हैं, जिसमें दो हैवी चेन है और दो लाइट चेन है। जो हैवी चेन है ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ ए 2-disulfide बॉन्ड, और जो लाइट चेन हैवी चेन से इंटरकनेक्टेड है अंडर बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसमें एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा साइट होता है जिस जगह से एंटीजन आके इंटरैक्ट करता है। एंटीबॉडीज की वो साइट जहां से एंटीजन इंटरैक्ट करता है उसे हम पैराटोप कहते हैं। जो मोनोमेरिक फॉर्म है एंटीबॉडीज का उसमें दो पैराटोप होते हैं, तो जाहिर बात है अगर कोई डाइमेरिक फॉर्म में एंटीबॉडी होगी तो वहां चार पैराटोप होंगे। कहने का मतलब यह है कि एक एंटीबॉडी एक से ज्यादा एंटीजन से एक ही समय में जुड़ सकती है, कम से कम दो एंटीजन के साथ जुड़ सकती है। यही बात फिर समझ लें, एक एंटीजन जब एंटीबॉडी से इंटरैक्ट करने आता है तो एक एंटीजन सिर्फ एक एंटीबॉडी से जुड़ता है, लेकिन एक एंटीबॉडी एक से ज्यादा एंटीजन के साथ एक साथ जुड़ सकती है। जी, पांच प्रकार के एंटीबॉडीज का जिक्र कर रहे थे, तो उसमें IgA, IgA जो है वो डाइमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, मीन्स चार पैराटोप है इनके पास। इसको हम लोग सिक्रेटरी एंटीबॉडी भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे एक्सोक्राइन सिक्रेशंस हैं सभी में ये पाया जाता है, जैसे वो मिल्क हो, सलाइवा हो, टीयर हो या कोई डाइजेस्टिव जूस हो। बात रही है यहां पर मिल्क को लेकर, तो दूध में जो एंटीबॉडीज पाई जाती हैं वो यही है। इसीलिए कोलेस्ट्रम जो पहला मिल्क होता है माँ का, उसके अंदर एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा पाया जाता है, एंड यस दैट्स वाइटल फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज। वैसे चूंकि डाइजेस्टिव जूसेस में पाया जाता है तो दिस टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रोवाइड्स म्यूकोसल इम्यूनिटी, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां भी एक डिफेंस प्रोवाइड करता है।
ये हमारे स्टूल के रास्ते भी बाहर निकल जाता है, इसलिए आप इसे कॉप्रो एंटीबॉडी भी कह सकते हैं। दूसरा है एंटीबॉडीज यानी इम्यूनोग्लोबुलिन डी। मोनोमेरिक फॉर्म में है, लेकिन बहुत छोटी सी बात है इसमें। इट फर्दर स्टिमुलेट द बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडीज, यानी आपके इम्यून रिस्पॉन्स को बेहतर करने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन डी का होना जरूरी है। फिर है इम्यूनोग्लोबुलिन ई, ये भी मोनोमेरिक फॉर्म में है। इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो काफी कुछ सिमिलर होता है इम्यूनोग्लोबुलिन जी से। इम्यूनोग्लोबुलिन ई का महत्व हमारे एलर्जिक रिएक्शंस में ही ज्यादा पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन जी से सबसे ज्यादा यही एंटीबॉडी पाई जाती है। लगभग जितनी भी एंटीबॉडीज आपके ब्लड में हैं, प्लाज्मा में, उसका 75% यानी मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी, सबसे कम मात्रा में इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, सॉरी ई है, और सबसे ज्यादा मात्रा में इम्यूनोग्लोबुलिन जी है। सबसे छोटी एंटीबॉडी भी होती है मोनोमेरिक फॉर्म में। मॉलिक्यूलर वेट इसका सबसे कम होगा 1.5 लाख, ये मिनिमम है। इट इज द ओनली एंटीबॉडी दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर। तो सर, प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर जाता है तो जाहिर है फीटस तक पहुंच जाता है। तो फीटस को मां की तरफ से दो प्रकार का डिफेंस मिलता है, एक फीटल लाइफ के दौरान इम्यूनोग्लोबुलिन जी के द्वारा, एक पैदा होने के बाद मां का दूध पी करके इम्यूनोग्लोबुलिन ए के द्वारा। लास्ट एंटीबॉडी है इम्यूनोग्लोबुलिन एम, सबसे बड़ी एंटीबॉडी है, पेंटामेरिक फॉर्म में है। जाहिर है 10 पैराटोप होते होंगे और मॉलिक्यूलर वेट भी काफी ज्यादा होता है। लेकिन इसके दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ये पहली एंटीबॉडी है जो फीटल लाइफ में बनना शुरू होती है, और ये एंटीबॉडी सबसे पहले इंक्रीज होती है किसी भी प्रकार के इम्यून रिस्पॉन्स में। ये तो हमने एंटीबॉडीज के टाइप की बात कर ली। फिर एक छोटा सा टॉपिक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन दिया है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो है वो दो चीजों पर निर्भर करता है, एक आपका ब्लड मैचिंग और दूसरा टिश्यू मैचिंग। तो ब्लड मैचिंग का जिक्र हमने सर्कुलेशन में करना था, कर दिया था। टिश्यू मैचिंग में क्या करते हैं कि हमारे पास एक एंटीजन होता है, उसी को हम मैच करते हैं। एक एंटीजन है जो आपके सभी बॉडी सेल्स में पाया जाता है, उसे मैच करते हैं। अगर वो मैच हो जाएगा तो जाहिर बात है इसमें ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। दैट पर्टिकुलर एंटीजन फॉर्मेशन इज अंडर कंट्रोल ऑफ ए पर्टिकुलर जीन, पर्टिकुलर जीन पर पाया जाता है, तो वो जीन में भी सिमिलरिटी होनी चाहिए। मीन्स जितनी ज्यादा जेनेटिक सिमिलरिटी होगी उतना ही ज्यादा वो पर्टिकुलर एंटीजन मैच करेगा। तो इसीलिए जो बड़े क्लोज रिलेटिव होते हैं उनमें वो सिमिलरिटी, जेनेटिक सिमिलरिटीज एज वेल एज एंटीजेनिक सिमिलरिटी ज्यादा पाई जाती है। इससे ट्रांसप्लांटेशन सफल तब होता है जब उनमें काफी क्लोज रिलेशन हो। जैसे जैसे रिलेशन दूर होता चला जाएगा, जेनेटिक एज वेल एज एंटीजेनिक सिमिलरिटी घटती जाएगी और ट्रांसप्लांटेशन के असफल होने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे कोई बाहरी आप ऑर्गन अपने शरीर में डालोगे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी तुरंत उसे रिकॉग्नाइज कर लेगी और उसके अगेंस्ट काम करना शुरू करेगी एंड ट्राई टू रिजेक्ट। इसलिए ये नहायत जरूरी है कि आप ट्रांसप्लांटेशन सिर्फ क्लोज रिलेशन में ही करें, अदरवाइज दिस शुड बी रिजेक्टेड। CMI जो है उसे रिजेक्ट कर देगी। इसके बाद एक टॉपिक और आता है छोटा सा, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, बहुत छोटा सा है। एक्टिव इम्यूनिटी तब कहते हैं जब हम बाहर से एंटीजन आपके शरीर में डालते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान आपका शरीर एंटीबॉडीज बनाता है, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव। जब हमारा शरीर खुद एंटीबॉडीज बनाता है बाई ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स, दैट इज एक्टिव। लेकिन अगर बनी बनाई एंटीबॉडीज हम आपके शरीर में इंजेक्ट कर दें तो दैट फिनोमेना इज द पैसिव इम्यूनिटी। तो इतना इंट्रोडक्शन करने के बाद हम लोग अब एक एक करके फिर से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं और उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे जो लास्ट वीडियो में हमने छोड़ा था। लास्ट वीडियो में हमने आपको 8 सवाल कराए थे, अब उसी के आगे शुरू कर रहे हैं 9th क्वेश्चन। विच इम्यून रिस्पॉन्स मेक्स द ग्राफ्ट रिजेक्शन ऑब्वियस, कौन सा ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स है जो ग्राफ्ट रिजेक्शन को जरूर करता है।
अभी आपको बताया सीएमआई, सीएमआई के हमने आपको तीन फंक्शन बताए हैं, एक दैट किल्स द कैंसर सेल, दूसरा इट रिजेक्ट द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, एंड नंबर थ्री रिस्पॉन्स अगेंस्ट सर्टेन एलर्जन। इस लिहाज से नाइन्थ का सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज। अगर कोई शरीर यानी होस्ट एंटीजन के सामने एक्सपोज किया जाता है तो उनका शरीर इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान एंटीबॉडीज बनाता है, इस प्रकार के इम्यूनिटी को क्या कहते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज एक्टिव। अभी हमने आपको ब्रीफिंग के वक्त बताया कि जब भी कभी आपका शरीर एंटीजन के संपर्क में आए और उसी के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाना शुरू करे, चाहे वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स से बनाए चाहे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स से, एंटीबॉडीज शरीर के अंदर बनी तो वो एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगी। इस लिहाज से बी ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक्टिव इम्यूनिटी इज इंड्यूस्ड बाई, एक्टिव इम्यूनिटी सिर्फ तब इंड्यूस हो सकती है जब आप एंटीजन अंदर पहुंचाए एंटीजन, तो इसलिए पहला जो ऑप्शन है इंजेक्टिंग प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज वो हो नहीं सकता। सेकेंड ऑप्शन देखें इंजेक्टिव लाइव इंफेक्शियस माइक्रोब, अगर आप इंफेक्शियस माइक्रोब इंड्यूस करोगे तो इम्यूनिटी तो देर में आएगी लेकिन पहले आपको डिजीज हो जाएगी। थर्ड है इंजेक्टिंग डेड माइक्रोब और प्रोटीन्स, यानी माइक्रोब को डेड कंडीशन में या उसके प्रोटीन जो है एंटीजेनिक प्रोटीन आपके शरीर में इंजेक्ट किए जाए, यस दैट विल क्रिएट अ फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। एंड फोर्थ है इंजेक्टिंग वैक्सीन, हो ये भी सकता है लेकिन वैक्सीन कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैसिव इम्यूनाइजेशन क्रिएट करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो एक्टिव क्रिएट करते हैं। इस लिहाज से प्रेफरेंस हमेशा हम बेस्ट को देंगे एंड दैट इज सी आंसर, क्योंकि बी नहीं हो सकता क्योंकि लिखा है लाइव इन्फेक्शियस, और डी नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ वैक्सीन लिखा है और वैक्सीन पैसिव इम्यूनाइजेशन की भी होती है, इस लिहाज से सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन अ क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड वी कैन, कुछ ऐसी जरूरत होती है कि हमें इम्यून रिस्पॉन्स तुरंत चाहिए तो वी हैव टू रियलाइज ऑन द पैसिव इम्यूनाइजेशन, क्योंकि एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो है वो जनरेट होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन पैसिव इम्यूनाइजेशन में जिसमें हम बनी बनाई एंटीबॉडीज आपके शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं तो आपके अंदर डिफेंस तुरंत आ जाता है। ऐसा हम कर पाते हैं जहां सस्पेक्टेड आपको रेबीज या टिटनेस के कुछ ऐसी डर लगता है तब आप बनी बनाई एंटीबॉडीज लेते हैं, तो इस लिहाज से आंसर सी होना चाहिए, डायरेक्टली इंजेक्ट प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज बनी बनाई आपके शरीर में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बाई यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस फ्रॉम, एक्चुअली वैक्सीन को हम लोगों ने तीन हिस्सों में बांटा है, एक कहलाती है फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जिसमें सारी कन्वेंशनल वैक्सीन आती हैं जो आप सामान्यतः पढ़ते हैं, जिसमें लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन या फिर डेड जर्म वैक्सीन या प्रोटीन वैक्सीन है। लेकिन सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स वो होती हैं जहां पर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कॉमर्शियल स्केल पर ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन का प्रोडक्शन करते हैं, हेपेटाइटिस बी उन्हीं में से एक है। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन प्रोड्यूस हमेशा या तो ईस्ट में की जाती है या फिर किसी बैक्टीरिया में की जाती है, लेकिन हेपेटाइटिस बी ऐसी वैक्सीन है जिसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन हमने ईस्ट में किया, तो इस लिहाज से इसका आंसर बी होना चाहिए। एक थर्ड जनरेशन वैक्सीन भी है जहां पर हम एंटीजन की लैब में सिंथेसिस कर लेते हैं, ल्यूकेमिया वायरस वैक्सीन है वो, तो उसका जिक्र तो नहीं कर रहे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अ सडन एपिसोड ऑफ स्नीजिंग वीजिंग व्हेन यू ट्रेवल टू ए न्यू प्लेस ड्यू टू, कभी कभी आप एक नई जगह जाइए तो अचानक आपको छींकने लगते हैं, वीजिंग होने लगती है, आंखें लाल हो जाती हैं, ऐसा क्यों, दैट इज बिकॉज ऑफ एलर्जी,
क्योंकि जब आप एक नई प्लेस पर जाते हैं तो वहां पर डिफरेंट तरह के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट तरह के माइट्स होते हैं, या डिफरेंट तरह के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एयर में होते हैं, और योर बॉडी हैज नॉट रेजिस्टेंट टू दैट वन। तो जैसे वो बॉडी आपके पार्टिकल आपके बॉडी के संपर्क में आते हैं तो आपकी बॉडी तुरंत रिस्पॉन्स करती है और उसको एक्सपेल करती है, नॉट एक्सेप्ट दैट पार्टिकल इन योर बॉडी। तो वो जो रिजेक्शन है उनका, वही कहलाता है एलर्जिक रिस्पॉन्स। इस लिहाज से 14 का बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एंटीबॉडीज प्राइमरली पार्टिसिपेटिंग इन द एलर्जिक रिस्पॉन्स। अभी आपको बताया कि सर इम्यूनोग्लोबिन ई यहां पर, और अगर WBC का जिक्र करेंगे तो वहां पर इसनोफील्स, दीज आर इन्वॉल्व इन द ऑल एलर्जिक रिएक्शन। तो जब भी आपके बॉडी एलर्जिक रिस्पॉन्स करेगी तो इम्यूनोग्लोबिन ई में इजाफा हो जाएगा, इस लिहाज से बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इन एन एलर्जिक रिएक्शन विच केमिकल्स आर रिलीज्ड बाय मास्ट सेल। जब भी इम्यून रिस्पॉन्स एलर्जी का होता है तो हमारी मास्ट सेल एक्टिव हो जाती हैं और उनसे हिस्टामिन और सीरोटोनिन नाम का सब्सटेंस निकलता है। बेसिकली हिस्टामिन ज्यादा निकलता है, लेकिन हिस्टामिन सीरोटोनिन दोनों लिखेंगे, पहले हिस्टामिन निकलता है, कुछ समय के बाद सीरोटोनिन निकलता है। हिस्टामिन वैसोडाइलेटेशन कर देता है, इसी वजह से सामान्यतः जहां पर भी एलर्जिक रिस्पॉन्स आता है उस जगह रेडनेस एकदम स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। इसी लिहाज से जितनी भी एलर्जी की दवाएं दी जाती हैं बेसिकली वो एंटी हिस्टामिनिक होती हैं, ताकि हिस्टामिन अपना काम ना कर पाए, अपने रिसेप्टर से ना जुड़ पाए। तो ए होना चाहिए 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इन। लिम्फोसाइट चाहे जो हों उनका फॉर्मेशन हमेशा बोन मैरो में होता है, लेकिन बनने के बाद वो बेहद ही मैच्योर होती हैं। तो मैच्योर होने के लिए दे इंटर्स इन द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, जहां पे वो डिफरेंशिएट होती हैं और एक मैच्योर लिम्फोसाइट का रूप अख्तियार करती हैं। एंड यस टू प्लेसेस, थाइमस एंड द बोन मैरो। कुछ लिम्फोसाइट थाइमस में मैच्योर होती हैं तो उन्हें हम लोग टी लिम्फोसाइट यानी टी सेल कहते हैं। जो बोन मैरो में ही रहकर मैच्योर हो जाती हैं उन्हें हम बी लिम्फोसाइट या बी सेल कहते हैं। ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से बी और टी लिम्फोसाइट फिर माइग्रेट करती हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जैसे कि लिम्फ नोड वगैरह में, ताकि वहां इफेक्टर सेल में चेंज हो सके। आंसर आ गया हमारा, आंसर इज द सी 17 का। एंड 18 एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक। रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव यूरोजेनिटल ट्रैक हैज अ लाइनिंग ऑफ म्यूकस अलॉन्ग विद द लिम्फ, दिस लाइनिंग इज नोन एज। जितने भी हमारे इस प्रकार के ट्यूबुलर ट्रैक्स हैं इन सब में आप देखोगे एक म्यूकोसा की लाइनिंग पाई जाती है, एंड दिस म्यूकोसा लाइनिंग जो है दैट प्रोवाइड इम्यूनिटी डिफेंस है, इसको हम माल्ट कहते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो इनका काम डिफेंस है कि अगर कोई पैथोजन इस रास्ते इन ट्रैक के रास्ते आपके शरीर में इंटर करने की कोशिश करेगा तो आप आसानी से उसे रिकॉग्नाइज कर लेगा और उसे कोशिश करेगा ना जाने पाए। तो ये माल्ट है और ये पूरे लिम्फोइड टिश्यू का आपके शरीर में लगभग 50% नियरली 50% पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डिफेंस। तो ये सी होना चाहिए 18 का, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। बी ऑप्शन को देखिए, थोड़ा सा मैजिकल एक ट्रिक अपनाई गई, दैट इज म्यूकोसा असिस्टेड लिम्फोइड टिश्यू लिखा है तो हड़बड़ी में आप उसे गलत कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हर बार की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे इस वीडियो में आपके लिए जो है वो इस प्रकार है। डिक टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट, एक प्रकार की जांच है, जैसे आपने पढ़ा हो विडाल टेस्ट इज फॉर टाइफाइड। आपको बताना है कि जो चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं इनमें किसके लिए डिक टेस्ट किया जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सोच समझ कर लेकिन आंसर करिए। चार ऑप्शन है, कैंसर, टाइफाइड, स्कारलेट फीवर एंड ट्यूबरकुलोसिस। एंड गिव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी देयर जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर। तो ये हमारे इम्यूनिटी नाम के टॉपिक से 18 सवाल मैंने कराए।
आठ सवाल लास्ट वीडियो में कराए थे, 18 अभी 18 तक अब पहुंचा दिया। तो मैंने कोशिश की कि टॉपिक आपका कवर हो जाए, और ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इवन चैप्टर ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं फिर यही कहूँगा कि इस टॉपिक को या इसके पीछे जितने हमारे MCQs की सीरीज़ है उसको आप रेगुलर सुनते रहें, देखते रहें, तो आपके पास ये रिवीजन बना रहेगा। साथ में जैसे मैं सोचने को कह रहा हूँ कि हर क्वेश्चन के साथ उसकी फॉलोइंग, उसके सराउंडिंग आपके समझ में आनी चाहिए, जेहन में रहनी चाहिए, ताकि आप बेहतर आंसर कर सकें। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।